हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स की क्लास फिफ्थ की वर्कशीट करेंगे। तो आज हम सीखेंगे मेजर करना। तो भैया ने स्वाति को बताया कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिक्चर भी बनी है। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बुलाते हैं। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसके लिए जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज हम सीखेंगे कोण मापन। पिछली वर्कशीट में जब स्वाति घड़ी में कोण बना रही थी, तब उसके मन में एक सवाल आया, क्या हम किसी तरह से इस कोणों को स्टीक तौर पर नाप सकते हैं? भैया ने स्वाति को बताया कि कोण मापने के लिए एक यंत्र होता है, प्रोट्रैक्टर डी, जिसको आप लोग कहते हैं। भैया ने स्वाति को प्रोट्रैक्टर दिखाते हुए उसके बारे में जानकारी दी। भैया ने स्वाति को बताया कि हम कोण को भी उसी प्रकार नाप सकते हैं जैसे कि एक रेखा को स्केल पर रख के। तो अगर हमें कोई भी कोण नापना है, तो प्रोट्रैक्टर, जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, इसको हम डी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अक्षर डी जैसा है। तो इसके बीचों बीच 90 होता है, और ये देख सकते हैं आप, ये 90। तो डिग्री शब्द का गणितीय भाषा में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर छोटे से गोला लगा देते हैं, ये होता है आपका डिग्री। तो आगे हमें बता रखा है समकोण क्या होता है। समकोण का नाप 90 डिग्री होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के सभी कोण समकोण से कम न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 90 डिग्री से बड़े सभी कोण, जैसे 140, समकोण से बड़े अधिकोण होते हैं, इनको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो आइए अब हम चित्र को देखते हैं और इसके कोण बताते हैं। 90 डिग्री के समकोण कितने हैं? एक है हमारा, 6। हमारा एंगल 6 जो है वो 90 का है। अब 90 कोण से कम वाले माप के, तो 3, 5 और 4 जो है वो हमारे 90 से कम के, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 कम के हैं। अब अधिक कोण वाले कितने हैं? 2। एंगल 1 और एंगल 2 का अधिक कोण है, तो ये क्या होंगे? अधिक कोण। तो बच्चों, आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए।